हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन माय चूल्हा। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट कॉर्न पनीर पिज़्ज़ा विद वेजीज, और ये बनाएंगे हम बेस के साथ। और इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पनीर कॉर्न वेज पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून ऑयल, हाफ कप पानी और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही ली है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक डिश ले लिया है। डिश में हम डाल देंगे सबसे पहले मैदा, उसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा स्पेस बनाकर हम इसमें डाल देंगे दही। 2 बड़े चम्मच दही यहाँ लिया है मैंने, फ्रेश दही लिया है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। सभी को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून, और सभी को हम अच्छे से इस आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर एक अच्छा सा इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो जितना रिक्वायरमेंट हो आप उतना पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। तो हमारा डो जो है रेडी है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे टक इन कर लेंगे और रख देंगे। तो जब तक ये आटा हमारा फर्मेंट होगा, तब तक हम सारे वेजीज रेडी कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको वेजीज दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है टमाटो 2 गोल कटा हुआ, शिमला मिर्च मैंने एक मीडियम साइज़ के लिए लंबा कटा हुआ, कॉर्न लिया है ब्लांच किया हुआ, ऑनियन लिया है, पनीर लिया है, और टमाटो केचप एंड मेयोनीज है, वेज मेयोनीज है। यहाँ पर मैंने लिया है ओरेगानो और मिक्स हर्ब्स, और यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स रखना भूल गई हूँ, और ये है प्रोसेस चीज़। मेरे पास मसाला चीज़ नहीं था, इसलिए मैंने प्रोसेस चीज़ का एक ब्लॉक ले लिया है। तो हम लेंगे हमारा आटा, हमारा आटा फूल गया है, और आटे को हम 2 हिस्से करके 2 पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे की एक लोई को बेल लिया है। अब हम लेंगे एक फोक और इसे दोनों साइड से फोक से पंच कर लेंगे, ताकि इसमें सारे मसाले जो हम पिज़्ज़ा के डालते हैं वो अच्छे से चला जाए। तो दोनों साइड हमें करना है, तो एक साइड होने के बाद दूसरी साइड भी हम पलटी करके फोक से ऐसे पंच कर लेंगे। तो ये रेडी है। अब हम लेंगे एक नॉनस्टिक पैन और उसमें हम पूरी तरह से अच्छे से बटर लगा लेंगे। बटर लगाने के बाद हम इसमें हमारा बेला हुआ पिज़्ज़ा बेस रख देंगे, अच्छे से फैला लेंगे हम उसे। अब हम लेंगे यहाँ पर टमाटो केचप और मेयोनीज, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। तो दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसे अपने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ से पिज़्ज़ा बेस पे लगा दिया। अब हम इसमें रखेंगे ऑनियन रिंग्स। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो या आपको जो भी वेजिस पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑनियन रिंग्स रख दिए हैं। अब हम डालेंगे इसके ऊपर शिमला मिर्च के लंबे टुकड़े। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो। तो टमाटो को मैंने यहाँ पर गोल गोल पतला काट लिया है। हमें अच्छे से सब तरफ रखने हैं। अब हम डालेंगे ब्लांच किया हुआ कॉर्न। मैंने कॉर्न को माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर के यहाँ मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं, तो ये इसमें हम फैला देंगे। आपको जो भी पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉर्न पनीर पिज़्ज़ा बनाया है, इसलिए मैं दोनों चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे मिक्स हर्ब्स। थोड़ा सा ओरेगानो, और उसके बाद आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए, जो कि मैं यहाँ पर भूल गई हूँ आपको शो करना। और उसके ऊपर से हम इस पर प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके डाल देंगे। पिज़्ज़ा हम प्रोसेस चीज़ से भी बना सकते हैं, क्योंकि उस समय मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं था, तो मैंने प्रोसेस चीज़ ही भरपूर डाला इस पर। तो चीज़ डालने के बाद हम गैस ऑन करेंगे
और इसे एकदम स्लो आंच पर 15 मिनट तक बेक कर लेंगे ढक के, जब तक कि हमारा पिज़्ज़ा बेस पक ना जाए। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेस भी पक गया है और हमारा चीज़ भी मेल्ट हो गया और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये देख के। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है पिज़्ज़ा की, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं भी है तो भी आप इसे प्रोसेस चीज़ से बना सकते हैं, टेस्ट आपको अच्छा ही आने वाला है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की रेसिपी देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।